खबर आगरा जनपद से, जहां फुटवेयर व्यापार का महाकुंभ कहे जाने वाले मीट एट आगरा के 15वें संस्करण की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस भव्य आयोजन में क्या खास होगा, कितने देश हिस्सा लेंगे, ऐसे तमाम सवालों के जवाब शनिवार को होटल हॉलीडे इन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए। सिंगाना के आगरा ट्रेंड सेंटर में फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स चैम्बर AFMEC द्वारा आयोजित आगरा में 3 दिवसीय फेयर में 14 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चलेगी। आयोजन की जानकारी देते हुए AFMEC के अध्यक्ष पूरन डावर ने बताया कि अपने 1.5 दशक के सफर में इस आयोजन ने देश ही नहीं दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस वर्ष इस आयोजन में 30 से अधिक देश और लगभग 200 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। भारत दुनिया की एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, खासकर आगरा का जूता उद्योग इसे गति देने में अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसे आयोजन अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मददगार साबित होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज हम चीन के सामने एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़े हैं। अब भारत की बारी है। टाटा, रिलायंस, वॉलमार्ट और फ्यूचर ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों ने चीन से आयात करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब वे भारतीय उत्पादों पर निर्भर है। यही कारण है कि हमने घरेलू बाजार में लगातार वृद्धि हासिल की है। अब समय आ गया है कि हम वैश्विक बाजार को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता विकसित करें। यह मेला इस व्यवसाय से जुड़े हर व्यक्ति के लिए एक गूगल सर्च इंजन की तरह है, जहां हमें एक ही छत के नीचे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी हमें आज जरूरत है। आगरा का 15वां एडिशन 27, 28, 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। इसमें देश विदेश से, देश के हर भाग से, चाहे वो चेन्नई हो, कलकत्ता हो, जालंधर हो, दिल्ली हो, नोएडा हो, देश के हर हिस्से से जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हैं, और कम से कम 35 कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन कंपोनेंट्स का इस मीट एट आगरा में रहने वाला है। ये फेयर एपमेक ऑर्गेनाइज करती है अपने सप्लायर्स के लिए, अपने कंपोनेंट के लिए, ताकि ये क्लस्टर लंबे समय तक चलता रहे। आगरा आगरा में हम लोग एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन अपनी हमारी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके अंतर्गत कि हम अपनी जो आने वाली जनरेशन है, या जो यहाँ पर आर्टिजन काम कर रहे हैं, या जो डोमेस्टिक काम कर रहे हैं, वो अपने आप को अपलिफ्ट करके हम लोग चाहें तो विश्व में कहीं भी अपना कंपोनेंट देख सकते हैं, देख लेते हैं। लेकिन आगरा के हर छोटे से छोटे को जो उद्यमी है, उसको लेटेस्ट वर्ल्ड के कंपोनेंट देखने का मौका मिले, ये प्रयास इस मीट एट आगरा में रहता है। और इस मीट एट आगरा में न केवल ये कंपोनेंट एग्जीबिशन है, अपने आप में पूरा नॉलेज सेशंस भी रहते हैं। 3 तरह के इसमें सत्र भी चलेंगे, 28 पूरे दिन, पूरे 28 को सत्र चलेंगे। हमारा सभी से तो मैं अनुरोध करता हूँ कि इसमें अधिक से अधिक लोग, छोटा से छोटा आर्टिजन हो, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हो, एक्सपोर्टर हो, यहाँ पहुंचेगा तो निश्चित रूप से उसकी सोर्सिंग बेहतर होगी, उसको नए नए कंपोनेंट्स क्या चल रहे हैं, कैसे किस समय क्या विश्व में चल रहा है, वो सब देखने को मिलेगा, और उससे जूता इंडस्ट्री निश्चित रूप से आगे बढ़ने वाली है। 2007 में जो हमने शुरू किया था, जहाँ भारत आगम 600 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट पर होते थे, आज 4000 करोड़ से ऊपर के एक्सपोर्ट पर, इसलिए कि कंपोनेंट इंडस्ट्री हमारी बेहतर होगी। कितने स्टॉल है, कितने देशों के लोग? देखिए, इसमें 200 से ऊपर कंपनियां यहां पर भाग ले रही हैं, और लगभग 15,000 लोगों की विजिटर्स की उम्मीद रहती है यहां बिजनेस विजिटर्स के आने की इन 3 दिनों में, और कम से कम 30 से 35 देशों के कंपोनेंट्स का यहां पर प्रदर्शन होगा। कितना व्यवसाय होगा, क्या कुछ सीखने का अवसर मिलेगा, कितने स्टॉल है? ये आंकड़े दावत साहब बताएंगे। अच्छा, ये आंकड़े दावत साहब बताएंगे। मेरा सवाल है, मैं इतना जानता हूँ कि हिंदुस्तान की जितने भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हैं, सारे यहाँ पर होंगे और अपनी नई से नई चीज पेश करेंगे, जो कि फुटवेयर इंडस्ट्री को आने वाले समय के लिए जो R&D करनी है उसमें सहायक हो। और मैं समझता हूँ कि ये एक काफी सफल रहने वाला, ये आयोजन सफल रहने वाला है। तो ये अब जो विवरण मेरे से मांग रहे हैं, उसका शायद मैं ठीक से जवाब नहीं दे पाऊंगा।
दावर साहब इसका टीचर है। मैं इस का सिर्फ फाउंडर प्रेसिडेंट और डिटेल जो है सारी दावर साहब के पास है, विवरण वही देंगे। मुझे मेरे से सिर्फ सलाह करते हैं और सलाह में मैं हमेशा सकारात्मक जवाब देता हूं इनको और उसी से ये काम करते हैं। मैं समझता हूं बड़ी मेहनत करते हैं और बहुत